हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली टर्बो चार्जर के बारे में, कि टर्बो चार्जर हमारा क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यही सब इस वीडियो में हम देखने वाले। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी बुरी कैसी भी लगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि ये टर्बो चार्जर इंजन है। इस तरीके से ज़्यादातर जो टर्बो चार्जर लगता है वो हमारे डीजल व्हीकल्स में लगता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे डीजल इंजन्स होते हैं उनमें जो सिलेंडर के अंदर है वो सिर्फ एयर जाती है, तो हमारी जो पावर आउटपुट है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि एयर कितनी जा रही है। अब हमारे पास दो तरह के इंजन होते हैं, एक तो हमारा होता है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा होता है हम जिसमें हम टर्बो चार्जर लगाते हैं। होता क्या है, जो हमारा नेचुरल एस्पिरेटेड होता है उसमें एयर उतनी ही जाती है जितनी वो ब्रीथ कर सकता है, जितनी वो खींच सकता है। लेकिन जो हमारा टर्बो चार्जर होता है उसमें हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड कराते हैं उसे। जितनी वो खुद ले सकता है इतनी तो वो लेता ही है, लेकिन उससे अलग हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एयर देते हैं जिससे कि हमारी पावर बढ़ जाती है। पावर हमारी वैसे भी बढ़ सकती है, और भी तरीके हैं जैसे कि हम सिलेंडर का साइज इंक्रीज कर दें, लेकिन उससे क्या होगा, उससे ओवरऑल डिज़ाइन पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, साइज भी कम से कम रखना है इंजन का, और लेकिन पावर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो हम टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं। इससे हमारा साइज कम हो जाता है और पावर ज़्यादा जनरेट होती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस साइलेंसर के थ्रू निकलती हैं, उनको बाहर निकलने से पहले वे एक टर्बाइन लगी होती है, उस टर्बाइन से टकराती हैं और उस टर्बाइन को रोटेट करा देती हैं, और वो टर्बाइन जो है एक दूसरी टर्बाइन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब वो घूम रही है तो वो दूसरी को घुमा देती है, और दोनों के ब्लेड्स की जो शेप है वो अपोजिट होती है। अगर एक एयर को बाहर जाने पे घूम रही है तो एक एयर को अंदर खींचेगी, तो वो दूसरी जो टर्बाइन है वो हमारी एयर को अंदर खींचने लगती है। ठीक है, और जिसके जरिए हमारे पास एयर आ जाती है उस एयर को हम इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टर्बो चार्जर है वो काम करता है। अब इसमें कभी कभी एक थोड़ा सा जो इसका ड्रॉबैक बोल सकते हैं वो क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्यों, पहले इंजन से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगी, उसको पहले रोटेशन देगी, फिर उसके बाद एयर अंदर जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा इन स्टार्टिंग एक बार प्रोसेस को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तो गाड़ी को थोड़ा जो रेस्पॉन्स का करने में, टर्बो का जो रेस्पॉन्स है उसको देखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक जो हम बोल सकते हैं। बाकी सब बढ़िया है, जो हमारी बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं उनमें सब में टर्बो चार्जर लगा होता है और काफ़ी बेनिफिशियल है ये। बाकी आपने को पता है, आपको कमेंट करके जाना है कि वीडियो कैसी लगी, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।